Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. Hello viewers, namaskar. Mera naam Hare Krishna Sharma hai. इस वर्ष 2023 की यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में मेरी रैंक 17 आई है और मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद प्राप्त हुआ है। व्यूअर्स, मेरी जर्नी जो है 9 साल 11 महीने और एक दिन की रही है और इस दरमियान मैंने बहुत सारे लो एंड हाईज मूवमेंट देखे हैं। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है यूपी पीसीएस की, वो 2018 से हुई है। तो मैंने 2018 से लगातार अपने प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं और मैंने मेंस भी दिए हुए हैं, बट मेरा जो मेंस का क्लियर स्टार्ट हुआ है वो 2022 से हुआ है। 2022 में मेरा पहला एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू कॉल आया था और 2023 में फाइनली सेलेक्ट हो गया। उससे पहले मैंने फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू दिए थे 2018 और 2019 में। तो मैं आपको सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बताऊँगा। प्रीलिम्स में आपको मेनली जो आपको करना होता है, मेरा जो स्ट्रेटजी था वो ये था कि आपको पी वाई क्यू पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अपने पी वाई क्यू को मेनली आपको सॉल्व करना होता है कि एक एक उसके ऑप्शन को एक्सप्लोर करना होता है, जिससे कि आपके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेज हैं वो पता लग जाएं। साथ में जो एग्जामिनर का और जो एग्जामिन जो पूछना चाहता है उसके बारे में आपको पूरे से एक क्वेश्चन से एक आइडिया मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आपके, वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स हैं, जनरल साइंस है, ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इनमें आप मैक्सिमाइज अपने क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप वही स्ट्रेटेजी है, एक आपकी जो बेसिक बुक है फॉर एग्जांपल जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में जहाँ भी आपने कोचिंग लगाई है या फिर लूसेंट की बुक है, इनको एक बार बेसिक रीडिंग लगा लीजिए और सिंपल पी वाई क्यूज़ कीजिए। पी वाई क्यूज़ के एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए। सिमिलरली आप जैसे यू पी पी सी एस में हिस्ट्री का थोड़ा सेक्शन है वो थोड़ा टफ होता है, तो अब जो जनरल हिस्ट्री के सवाल हैं, जो बहुत कॉमन सवाल है, उनको गलत मत कीजिए और जो कुछ हैं उनको स्किप कर सकते हैं। इसी प्रकार करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इवन मैं तो 2-3 मैगजीन को फॉलो करता था, तो उनसे एक मैगजीन को मैं कोर रखता था और 2 मैगजीन को मैं सब्सिडी रखता, जिससे कि जो उसमें टॉपिक नहीं आए हैं वो मैं 2 मैगजीन से कवर कर सकूं। तो करंट अफेयर्स में आप जो है कोई भी जो यू पी पी सी एस में चलती है उस मैगजीन को ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड के हैं उनसे मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आजकल असेसिबिलिटी है यूट्यूब की है, न्यूज़पेपर्स की है, तो आपका अपना ये जो कोर न्यूज़पेपर है, जो भी आपका जैसे हिंदी मीडियम से हैं तो आप दैनिक जागरण है या जनसत्ता है उसका राष्ट्रीय संस्करण है, या आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भाई जो हिंदू है, एक्सप्रेस है, जो भी आप पढ़ना चाहें, न्यूज़पेपर एसेंशियल है। बट साथ ही साथ जो आपका बेसिक है लाइक पॉलिटी है ना जी, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए जो आप जो है एनसीईआरटी को देख सकते हैं, पॉलिटी के लिए एक ही बुक है बढ़िया सी, वो है लक्ष्मीकांत सर की बुक है। इसी प्रकार आपकी जो ज्योग्राफी में भी मेनली आपको मैपिंग वाला सेक्शन बहुत अच्छा करना चाहिए। जब ज्योग्राफी आप पढ़ें तो साथ में मैप के साथ पढ़ें। तो ये तो मेरे रहा था प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी, मैं इसी स्ट्रेटेजी से बार बार प्रीलिम्स निकाला हूँ बाय एंड लार्ज। और सीसेट के लिए देखिए, सीसेट भी एक बहुत बड़ी बाधा है। यूपी पीसीएस में सीसेट में कई बच्चे फेल होते हैं, इवन मैं तो नहीं फेल हुआ, पर यूपीएससी में मैं 3-4 बार फेल हुआ हूँ सीसेट में। मेरे लास्ट 2 अटेम्प्ट भी सीसेट की वजह से फेल हुए थे। तो यूपी पीसीएस में आपको सीसेट में आपके 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है आपका जी हिंदी वाला, दूसरा है इंग्लिश वाला, तीसरा है इंटरपर्सनल स्किल और चौथा है जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहती है। तो आप अपना ये देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप जैसे आपका किसी की हिंदी स्ट्रेंथ है तो उसको हिंदी बाय लार्ज सही कर लेगा, है ना। किसी की इंग्लिश स्ट्रेंथ है तो वो इंग्लिश सही कर लेगा। तो जो स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से उस पर आपका उस पर पकड़ है, जो वीकनेस है उसको भी कीजिए। इसका भी एक रामबाण इलाज ये है
की जो है आपको PYQ अच्छे से खोलने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे, और साथ में इंटरपर्सनल स्किल के लिए थोड़ा सा इशू रहता है बच्चों में कि कहाँ से करें, क्योंकि कोई लाइक कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है और इंटरपर्सनल स्किल काफ़ी वाइड होता है। तो ये मेरे विचार में है कि मैं अभी फ्री हो गया हूँ तो कुछ बच्चों के लिए एक कुछ छोटा सा मटेरियल मैं भी लिखूँ इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए, क्योंकि मैं जो मेरा जो CSET का जो इंटरपर्सनल स्किल है उस पर मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं, मैं अच्छे से उसको करता हूँ। देखिए जो CSET है ना वो UPPCS और UPSC दोनों में एक डिसाइडिंग फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। मतलब मेरे खुद के CSET फेल हुए हैं UPSC में, और UPPCS में मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं वो भी GS में उनका कट ऑफ क्लियर है बट वो CSET में फेल हो रहे हैं। द रीज़न बिंग दैट कि इसमें जो मैथ्स वाले हैं या इंजीनियर्स हैं वो तो मैथ्स अपना ठीक ठाक कर लेते हैं, इंग्लिश उनकी ठीक होती है, हिंदी ठीक ठाक होती है तो पास हो जाते हैं, बट जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स का थोड़ा सा स्कोप कम रहता है। और उसमें जो है एक सेक्शन होता है कम्युनिकेशन स्किल वाला, इंटरपर्सनल स्किल वाला, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखेंगे 2-3 साल के क्वेश्चंस उठा के तो उसमें जो वेटेज है उन क्वेश्चंस का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि 18 में जो है वो करीब 20 क्वेश्चंस थे, 19 में फिर बढ़े, 20 में फिर बढ़े, 21 में फिर बढ़े, और लास्ट टाइम 23 में करीब उनके जो है 41 क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर खासकर जो अपने ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान में रखे, वो मेरे मन में एक ख्याल है कि मैं उसके लिए कुछ लिखूं या कुछ बताऊं बच्चों को। तो इस पोर्शन पे भी थोड़ा सा आपको काम करना होगा, ये मेरा पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी रहा है। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको PYQ करने पड़ेंगे, घटना चक्र आपको खोल खोल के लगानी पड़ेगी, एक एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी इतने कम टाइम में बहुत सारे व्यूअर्स का ये होगा कि भाई इतने कम टाइम में हम इतना ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, बट ठीक है, अभी आप कम से कम PYQ को ढंग से कीजिए और घटना चक्र को कम से कम एक दो बार रिवाइज कीजिए, इतना आप कम से कम कीजिए, और जो करंट अफेयर्स है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उनको अच्छे से कीजिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा, मेरा जहाँ तक ये मानना है। और दूसरा बात है, कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि टेस्ट सीरीज कौन सी करें, कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, क्या है। देखिए टेस्ट सीरीज सभी अच्छी होती हैं, पहले आप जो प्रायोरिटी बनाइए, पहले आपको PYQ सॉल्व करनी है, पहले घटना चक्र लगानी है, उसके बाद आपके पास उनका सबका रिविजन हो गया तो एक टेस्ट सीरीज मार्केट से उठा लीजिए। अपार्ट फ्रॉम एनी कोचिंग कोई भी है वो सब अच्छी होती है, एक टेस्ट सीरीज लगाइए और उनसे आपको जो है जो इनपुट लगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन घटना चक्र और PYQ को टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, इसके अलावा जो नए सवाल आए उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। दूसरा ये है कि जी कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ये जैसे मेरा स्ट्रेंथ है कि जी मेरा जो एक्यूरेसी पे मैं काम करता हूँ तो मैं कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि 10-20 क्वेश्चंस जो है वो आपके सर से ऊपर जाएंगे, तो मैं अपने आप को 130 में रखता हूँ कि 130 क्वेश्चन मेरे लिए हैं, उनमें मैक्सिमम मैक्सिमाइज मैं करूँ, तो मेरे 110-115 अटेम्प्ट होते हैं और बाय एंड लार्ज 100, 99, 98, 102 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही होते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ एक्यूरेसी है या आपकी स्ट्रेंथ जो है इंटेलिजेंस गेसिंग है, तो ये हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है PYQ लगाना और अपने जो स्टडी बेस है ना उसको थोड़ा वाइड करना, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा सा विड्थ चाहिए, ठीक है। और बस इस पे आप काम कीजिए, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने हैं, उनको बढ़िया से एनालिसिस करना है और अच्छे तरीके से रिविजन करना है, कोर चीज़ों को अच्छे से अच्छे रिविजन करना है, क्योंकि मान लीजिए आपने, अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया कि जब आप पेपर सॉल्व करें ना तो एक चीज़ थोड़ा सा मेंशन करें कि लाइक जैसे पहले राउंड में जितने क्वेश्चंस आप आ रहे हैं जो बिल्कुल शॉर्ट एंड श्योर क्वेश्चन है उनको आप पहले टिक कीजिए, है ना। तो उसमें क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जी पहले राउंड में इससे 60 क्वेश्चन हो गए या 70 क्वेश्चन हो गए, तो जो क्वेश्चंस आप दूसरे राउंड के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं उनको आप बोला मत कीजिए उस पर। जो ऊपर जो पेपर का मार्जिन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि पेज नंबर 14 पर आपके 3 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो ऊपर पेज जो मार्जिन है उस पर आप क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 58, 89 या ऐसे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो जब आप वापस इन क्वेश्चंस को आओगे तो वो आपको उसको आप बस उस मार्जिन को देखें कि ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ने हैं, तो उससे आपका टाइम सेव होगा। तो ये पूरा गेम टाइमिंग का है, टाइमिंग का। देखो कंटेंट और पढ़ने वाले यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, और ये बस समझिए कि हम सेलेक्ट हो गए तो हम बहुत तेज हैं, आप सेलेक्ट हुए तो आप तेज नहीं है, ये जस्ट टाइमिंग का और मैनेजमेंट का है। कंटेंट आपके पास है, बस थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट कीजिए, आपका डेफिनेटली आपका जो है प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। और एक और चीज़ है कि भगवान का बड़ा योगदान रहता है सफलता में। हम इस तरफ आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, इस जमीन के हम बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं,
हमने बहुत सारे लाइक आपकी तरह हमने भी बहुत सारे स्ट्रगल झेले हैं, तब यहाँ पर भगवान की अनुकंपा हुई है तब हम यहाँ पर आए हैं। तो आप अपने प्रोसेस में बिलीव कीजिए, प्रोडक्ट पक्का निकलेगा। प्रोसेस यही है, उसमें ईमानदारी ऑनेस्टी बढ़ती है आप। तो ये रहा मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी। एंड थैंक्स फॉर डीकेटी चैनल, एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, टॉपर्स के जो उन्होंने जो पढ़ाई की है उनको हम लोगों तक पहुंचाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी आप ही की तरह था, इनके चैनल मतलब व्यूज़ देखता था, इनके वीडियोज़ देखता था। तो थैंक्स फॉर डीकेटी चैनल एंड डीकेटी परिवार, उन्होंने इतना अमूल्य समय हम जैसे एक एस्पिरेंट को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।